क्या बात है भाई, परफेक्ट देव आनंद लग रहे हो आज। आज तो यामिनी भाभी भी बहुत परफेक्ट लग रहे हैं, एकदम उमराव जान मस्त लग रहे हो भाभी आज तो। अरे एंकी, तुम्हारा बेटा नजर नहीं आ रहा है, कहाँ है बर्थडे बॉय? Looking nice. अरे यार ऋतिक, भाभी कहाँ है? तन्वी, जरा हम भी तो देखे शादी के बाद कैसी दिख रही है। सॉरी गाइस, मेरी तन्वी से शादी नहीं हुई। तन्वी से नहीं हुई तो किससे हुई? इससे। ये है मेरी पत्नी शिवन्या। मेहरबान कदरदान साहिबान, आज हम आपके सामने पेश करेंगे रहेजा परिवार की सबसे अच्छी नाचती गाती स्वीट सी बॉलीवुड थीम पार्टी, जहाँ पे हर एक किरदार आज एक कहानी लेकर आया है और इस रात को और भी यादगार बनाएंगे। तो आज इस शानदार रात की शुरुआत करने आ रहे हैं हमारे दो बदतमीज दिल। सॉरी, आई मीन हमारे रॉक स्टार ऋतिक भैया और शिवन्या भाभी। ये मुझे डांस करना नहीं आता। तो कोई बात नहीं, हम सब मिलके डांस करेंगे। ये हुई ना बात, और भी मजा आएगा। ये भैया गाना खत्म हो गया। तो अब हमारे सामने आ रही हैं रॉकिंग एंड शॉकिंग अमृता जी।
कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरा परि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनी। हे शिव जी, आप यहाँ भी विराजमान हैं, मुझे यहीं शरण दीजिए। मैं अभी आई। प्रणाम पंडित जी। भाग्य सौभाग्य बना रहे। लेकिन आप अचानक इस पार्टी में? आपके पतिदेव ने बुलाया मुझे। आपके बेटे का जन्मदिन है ना आज? जी। आशीर्वाद देने के लिए। मैं अभी ऋतिक और अपनी बहू शिवन्या को बुलाती हूँ। ओह, यहीं पर है। ऋतिक, पंडित जी आए हैं तुम्हें आशीर्वाद देने। और सुनो, जोड़े से आशीर्वाद लेना। शिवन्या कहाँ? अभी तो यहीं थी। अरे हाँ, वो शायद अपने कमरे में। मैं बुला कर ले। हाँ, मैं जाकर उसे बुला कर लाती हूँ। और सुनो, मंदिर से पूजा की थाली लेकर आना और उसमें जरूर देखना कुमकुम और चावल हो। मैं अभी आई पंडित जी। शिवन्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो वेटर ने मुझ पर कुछ गिरा दिया था तो बस सुखाने आई थी। ठीक है, अब जल्दी चलो, सारे मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आओ बेटा। शिवन्या, ऋतिक, दोनों आशीर्वाद ले लो। मुझे तो ये तो किसी सांप की केचुली है। एंकी जी, आपने जो कल नाग देखा था वो आपका वहम नहीं था, सचमुच में एक नाग था। मुझे लगता है इस घर में कुछ है। कहना क्या चाहते हैं आप? लगता है किसी जहरीले नाक की छाया। मेरी दिव्य दृष्टि कह रही है कि वो नागिन इस घर में प्रवेश कर चुकी है। पता नहीं वो कहां, किस कोने में घात लगाए बैठी है। लेकिन पंडित जी, दरवाजे पर जो बेलपत्र का तोरण लगा है वो क्या? वो तोरण उस दरवाजे पर अब भी है? वो तो सूख गया था, इसलिए मैंने हटा दिया था। या? ऋतिक, ये तुमने क्या किया? तुम तो जानते भी नहीं हो कि वो तोरण। पंडित जी, अब आप ही संकट का कोई उपाय कीजिए, नहीं तो वो नागिन हमें। शांत रहिए। उस नागिन के किसी भी धोखे का, किसी भी वार का उपाय है हमारे पास। मैं इस केचुली को जलाना। अगर वो नागिन इस वक्त इस घर में है तो सामने आएगी। मैं जैसे ही इस केचुली को जलाऊंगा, इसके साथ वो भी जलेगी।
इसकी आग से ही जलाएगी और वो बेबस होकर अपने असली रूप में सामने आएगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। क्या बात है, तुम इस वक्त यहाँ? गुरुदेव, मन में एक डर सा है। पता नहीं क्यों ये आभास हो रहा है कि शिवन्या की जान खतरे में है। आभास तो मुझे भी हुआ है, अब तक वो हमारे साथ थी, पर अब वो अकेली है। अगर उसकी सच्चाई, उसका असली रूप सबके सामने आ गया तो अब जो कुछ करना है वो यही कर सकते हैं। हमारे नाथ हैं, भोलेनाथ। हे शक्ति स्वरूप शिव, आपसे हमारी शक्ति है। संकट की घड़ी आई है, वो वक्त आ गया है कि आपको अभी इसी वक्त हमारी ढाल बनना है, हमारा काल हरना है। आपके इंसानी भक्तों से ज्यादा हमें आपकी जरूरत है। हे शक्ति, अपनी शक्ति दिखा, कुदरत के किसी रूप में सामने आ। ये कुदरत का कैसा कहर? ऋतिक, अंगद, खिड़की दरवाजा बंद करो, तूफान आ गया है अंदर घर में। शिवन्या, तुम ठीक तो? पंडित जी, ये अचानक तूफान कैसे आ गया? और ये नागिन की? एक मिनट। ये केचड़ी कहाँ गई? पंडित जी, ये नागिन की केचड़ी अचानक गायब कैसे हो गई? अचानक नहीं हुआ, ये इच्छाधारी नागिन है वो। उसमें इतनी शक्ति है कि कोई भी रूप धारण करके आपके सामने आ सकती है वो। कोई भी कैद आ सकती है, हो ना हो ये उसका ही काम है। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? जमाना कहां से कहां पहुंच गया और आप अभी तक नाग और नागिन, मैं इन सब बातों में नहीं मानता। हाँ पंडित जी, और तूफान तो आते जाते रहते हैं। ये तूफान साधारण तूफान नहीं है बच्चे, ये तूफान किसी शक्ति का पर्चा था। वो नागिन इस घर के अंदर है, वो आपके परिवार को खत्म कर देगी। आपका परिवार खतरे में है। नहीं पंडित जी, नहीं। अगर वो नागिन यहाँ है तो मेरा
आज खत्म हो जाएगा। पंडित जी हाथ जोड़ती हूँ, हम आप ही कुछ कीजिए, आप ही हमें बचा सकते हैं, कोई उपाय ढूंढिए पंडित जी। मेरे वश में नहीं है, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली कोई है जो शक्ति को अपने वश में कर सकता है, और वो है गुरुमा। गुरुमा एक वही है जो हमें मदद कर सकती है। गुरुमा, गुरुमा इतना खराब कैसे हो गया? पहले तो मौसम बहुत अच्छा था, फिर अचानक ये तूफान। शिवन्या, 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 शेषा तुम? वो भी बिन बताए अचानक इस तरह? अचानक ही बहुत कुछ हो रहा है आज शिवन्या, पता नहीं क्यों मुझे ये आभास हो रहा था कि तुम्हारी जान खतरे में, इसलिए तुम्हें देखने आ गया। हाँ, मेरी जान खतरे में तो थी, वो पंडित मेरी पुरानी केचुली जलाने वाला था, मुझे सबके सामने लाने वाला था, पर तभी तभी वहां अचानक तूफान आ गया। आया नहीं, लाया गया शिवन्या। हमारी शक्तियों के ऊपर भी एक और शक्ति है, शिव जी की शक्ति, और उसी शक्ति ने बचाया है तुम्हें आज। लेकिन कल शिवन्या कुछ भी हो सकता है, इसलिए तुम्हें सतर्क रहना होगा। तुम्हारी केंचुली मिलने के बाद ये लोग भी सतर्क हो गए होंगे। यहाँ आसपास दुश्मनों की कमी नहीं है, कभी भी कहीं से भी कोई भी हमला कर सकता है। बात तो तुम सही कह रही हो, वो लोग किसी गुरुमा के बारे में बात कर रहे थे, तुम जानते हो उन्हें? गुरुमा? नहीं शिवन्या, मैं नहीं जानती, कौन है ये? शिवन्या, 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 क्या हुआ शिवन्या, तुम अपसेट क्यों लग रही हो? लगता है पार्टी में जो हुआ उससे तुम डर गई हो। ऋतिक, वो क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों रही हो? टेबल, ये खून? शिवन्या, ये खून कैसा? शिवन्या, वो मेरा हाथ कट गया था। मुझे बता क्यों नहीं रही हो, कैसे लगा तुम्हें ये? एक मिनट, तुम अभी आराम करो, यही रहना, मैं थोड़ी देर में आके तुम्हें देखूंगा, और डरना मत, ओके?
शिवन्या आप तुम यहां बैठ जाओ, बैठो और अभी अंदर ही रहना, कहीं जाना मत। ओके, मैं आके देखूंगा तुम्हें वापस, और डरो मत। आज तो बच गए, पर मुझे जल्दी पता लगाना होगा कि गुरुमा है कौन। ये क्या है जी, आज आप जॉगिंग पे नहीं जा रहे? वो नहीं हो रहा है। आप ही ना, हम गुरुमा के पास जा रहे हैं ना, वो हमारी मदद जरूर करेंगी। कल रात पंडित जी ने कहा ना, जा रहे हैं, पता है जा रहे हैं, लेकिन शैलेश को भी साथ में चलना चाहिए था। कितनी बार समझाया, कितनी बार बोला, लेकिन सुनने को तैयार ही नहीं है। इडियट को ये नहीं समझ में आ रहा है कि कितना सीरियस मामला है। एंकी जी, प्लीज इतनी टेंशन मत लो, हम गुरुमा के पास जा रहे हैं, वो सब ठीक कर देंगी। जाइए, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए जूस लाती हूँ। जी को जूस दिया। शिवन्या, ये सब कुछ तुम क्यों कर रही हो? नौकर है ना, और अब तुम इस घर की बहू हो। नहीं माँ, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। वैसे भी मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। माँ, आप बहुत परेशान लग रही हैं। उस नागिन ने। किस नागिन ने माँ? वही, इसकी नजर लगी है इस घर को। इसी घर वालों ने मेरे माँ बाबा की हत्या की थी माँ जी, और उनमें से एक आपके पति भी हैं। तुम्हें भी तो पता है बेटा, कल रात उस नागिन के किंचुली मिली थी, और पंडित जी ने कहा था कि उस नागिन से सिर्फ गुरुमा हमें बचा सकती है, इसलिए मैं और अंकित जी गुरुमा के पास जा रहे हैं। वो नागिन अब भी यही है, इसी घर में। पंडित जी कह रहे थे ना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अच्छा माँ, वो नागिन आप लोगों के पीछे क्यों पड़ी है? अब क्या बताओ बेटा, परसों पहले वो काका, मेरी जिंगा है, आप भी ना मिस, अब मेरी कॉफी वहां रखी है, उसको गरम करके दे दो। तुम कभी सीधी खड़ी नहीं रह सकती क्या? क्या हो गया तुझे आज? कुछ ज्यादा ही? ज्यादा नहीं मॉम, बहुत ज्यादा। कल रात का शौक ना बहुत ज्यादा था, इसीलिए ना उसके साइड इफेक्ट्स से। मारूंगी मैं तुझे, पता नहीं किसके साइड इफेक्ट्स है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि तुझे मैं गुरुमा के पास जरूर लेकर जाऊंगी। गुरु? हाँ, क्योंकि उस नागिन से सबसे ज्यादा खतरा तुझे है। जब देखो बेहोश रहती हो, अपनी दुनिया में रहती हो, पता भी नहीं चलेगा वो नागिन तुझे डसकर कब चली गई। तुझे पता चलेगा ना ही हम घर वालों को, जब देखो चारों खाने चित, तू चल मेरे साथ। माँ, ये गुरुमा कौन है? ये कोई अमृत बिलाती है? मेरी माँ, तू चल मेरे साथ। हाँ माँ। शिवन्या, तुम भी चलो हमारे साथ, क्योंकि अब रक्षा की जरूरत तुम्हें भी है। ऋतिक के सर पर जो खतरा मंडरा रहा है, उसकी ढाल तो तुम ही बनोगे ना। चलो बेटा। जी माँ, आप चलिए, मैं आती हूँ। ठीक है, तू चल। हाँ मॉम। अच्छा, ये शिवजी ने ये रास्ता भी दिखा दिया। मैं आ रही हूँ गुरुमा, मेरे माँ बाबा के दुश्मन के साथ आ रही हूँ, ये देखने आ रही हूँ कि आप कौन हो, ये जानने आ रही हूँ जान बचाने का कौन सा उपाय दे रही हो आप मेरे माँ बाबा के कातिलों को। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जय जय मां काली। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी कपालिनी।
बुलाइए उन्हें, वो लोग आ गए हैं। गुरु माँ, आपको कैसे पता चला? इंसान नहीं चलता, इंसान की सोच चलती है, जो उसे इस पार से उस पार तक ले जाता है। और उस सोच को मैं सूंघ सकती हूँ। बुलाओ उन्हें। जी गुरु माँ। आइए आइए, गुरु माँ आप लोगों का ही इंतजार कर रही है। शिवन्या, क्या हुआ बेटा? कांटा लगा। हे भगवान। अंकित जी, शिवन्या को चोट लगी है। एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं, गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स है। नहीं माँ, गुरु माँ आपका इतनी देर से इंतजार कर रही है, उन्हें इंतजार करवाना अच्छा नहीं लगता। आप लोग जाइए, मैं यही रुकती हूँ। अमृता, एक काम करो, फर्स्ट एड बॉक्स में ना बैंडेड है। और सुनो, शिवन्या का ध्यान रखना, रखना मतलब रखना। हाँ हाँ माँ, मैं हूँ ना। मुझे भी वैसे कौन सा अंदर जाना है, मैं अभी जाती हूँ। शिवन्या, तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक है बेटा, चलिए अंकित जी। आइए आइए। भाभी, मैं ना अभी गाड़ी से फर्स्ट एड लेकर आती हूँ। अब वैसे भी हम दोनों का काम ना गाड़ी में ही है, तो अभी आई। अब यही रुक दो। वो कहाँ है जिसकी बूम मुझे आ रही है? बाकी लोग कहाँ हैं? और किसे साथ लाए हो? मेरी बेटी और बहू। वो आ गई है, आ गई है। वो नागिन, बरसों पुराना इंतकाम लेने। पुराने कर्मों का हिसाब लेने। ये कैसी शक्ति है? मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रही हूँ? मुझे कुछ रोक रहा है, पर क्या? जय 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 माँ काली। माँ काली की शक्ति जब विकराल रूप में आती है, सबसे भयानक रुद्र रूप में आती है, महाकाल बन जाती है, पापियों का खून पी जाती है, दुश्मनों का विनाश कर जाती है। काली काल है, विकराल है, मुंडमाल है। अतीत अतीत बुला रहा है, पुराना वक्त बता रहा है कि तुम में से कुछ लोगों ने कुछ गलत किया है, बहुत बड़ी गलती की है। उस पे घात हुआ था और वो आ गई है प्रतिघात करने। वो तुम सबका खून पी जाएगी, अपना इंतकाम पाएगी। जब तक उसका इंतकाम पूरा नहीं होगा, वो पूरी नहीं होगी, शांत नहीं होगी। नहीं, मेरे वंश का क्या होगा? गुरुमा, अब आप ही बचा सकती है मेरे घर परिवार को। आप ही कोई उपाय बताइए ना गुरुमा। ये लो माँ काली का रक्षा कवच तुम सबकी रक्षा करेगा।
शिव का वरदान है उस नारी जो शिव की शरण पाए उसे कौन हराए। शिव की शरणागत से अगर तुम्हें कोई बचा पाए तो वो स्वयं शिव की शक्ति माँ काली। शक्ति नहीं देखी माँ काली जैसी, दोस्त ही नहीं देखी कृष्णा सुदामा जैसी, और दुश्मनी नहीं देखी बाज और नागिन जैसी। नागिन के वार से कोई नहीं बच सकता, और बाज के वार से नागिन नहीं बच सकती। जाकर ले आओ उसे। जो भी तेरा दुश्मन है वो बाहर आ जाएगा। ये बाज उसे ले आएगा। जा जा। के पीछे पड़ा था, और आपको तो पता है ना कि मुझे सांपों से कितना डर लगता है। आज किसी भी तरह वो बाज उस नागिन को पकड़ ले। कहते हैं ना बाज की नजरें सबसे तेज होती है। आज वो नागिन जहां कहीं भी हो उसकी नजरों से तो नहीं बच सकते। अमृता तुम कहां चली गई थी? मैंने तुमसे कहा था ना कि शिवन्या का ध्यान रखना। कहाँ चली गई थी? मैं गई थी दवाई लेने के लिए। क्या हुआ ना कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ऐसे खराब होने लगी तो फिर मैंने भी पी ली दवाई। तुम नहीं सुधरोगी। चले आओ। चलो गुरुमा ने क्या उपाय दिया है पता लगाना होगा। ऋतिक थोड़ी पी ले यार, तेरे पैर जमीन में नहीं पड़ेंगे। हाँ जैसा आपके नहीं पड़ रहे थे पार्टी में। चुप कर, आप गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं।
हाँ भैया, वेरी नाइस। दिव्या, दिव्या कंप्यूटर से बाहर निकलो। हाँ भैया। तुम हॉस्पिटल गई थी ना, विरिन भैया की हालत कैसी है? वैसी है भैया जैसे पहले थी, अभी भी कोमा में ही है। डॉक्टर ने क्या कहा? यही कि कुछ कह नहीं सकते, पता नहीं कब बाहर आएंगे कोमा से वो। यार ये ऋतिक कितना लकी है यार। क्यों? अरे अंकल, पूरी दुनिया को पता है जिसके हाथ में छह उंगलियां होती है ना, वो बड़े ही लकी होते हैं। सीधा आसमान की ऊंचाइयों पे। अरे दीदी नीचे आ जाओ नीचे। मैं जहाँ से नारियल पानी पीता हूँ ना, उस बंदे के भी हाथ में छह उंगलियां हैं। आसमान का पता नहीं लेकिन पेड़ों की ऊंचाई जरूर छूता है वो। तो उस नारियल पानी वाले को बोल नारियल पानी छोड़ के ना वोड़ का भेजना चालू कर दे, ऐसे अमीर हो जाएगा। ये जो छह उंगली वाले लोग होते हैं ना, ये बड़े ही पावरफुल होते हैं। ये लाइफ के किसी भी डेंजर से यूं बाहर आ जाते हैं। द गॉड, भगवान, शैतान, धोखेबाज। अपने ऋतिक को ही देख लेना यार, छह उंगलियां हैं, कितना लकी है, एंड ही द सुपरस्टार। पर दीदी, ऋतिक के हाथ में तो पांच ही उंगलियां हैं। ओ मेरी भाभी, हर कोई ऋतिक के हाथों में छह उंगलियां नहीं होती। मैं ऋतिक रोशन की बात कर रही थी। पर मेरी आंखों ने कातिल की एक निशानी देख ली थी, उसके एक हाथ में छह उंगलियां थी। दीदी हाँ, आप तो बहुत ज्ञानी हैं। वही तो, मैं पूरे घर में ज्ञान बांटती हूँ, पर मेरी बात कोई सुनता कहाँ है इस घर में। नहीं नहीं, मुझे सच में नहीं पता था कि छह उंगली वाले लोगों की किस्मत बहुत अच्छी होती है। आई विश मेरे भी होती तो मेरे हाथ में ना एक और पैग आ जाता। नहीं कोई बात नहीं, आपकी नहीं तो किसी और की होगी। आप सब कितने लकी हैं, कितने सुखी हैं। अच्छा कोई तो होगा यहाँ इस घर में, मेरा मतलब है पापा जी के कोई दोस्त तो होंगे, रिश्तेदार, या फिर कोई फैमिली मेंबर ऐसा है जिसके हाथ में छह उंगलियां हो। अगर मैं किसी को देखूंगी ना तो आपको जरूर बताऊंगी। ओके वो जहां भी होगा मैं उसे ढूंढ ही लूंगी। मेरे माँ बाबा को मारने वालों में से एक वो भी था जिसके हाथ में छह उंगलियां थी। थैंक यू। देख कौन आया है। आ गया। ये ले, गला गिला का। अपने बेटी की शादी की खुशी में। थैंक यू। अरे भाई मेहमान कहाँ है, पार्टी शादी होनी चाहिए। नमस्ते भाई साहब, पार्टी हो गई और मेहमान भी चले गए, आप लेट आए हैं। चल भाभी जी चल, वीआईपीज अक्सर हमेशा लेट ही आया करते हैं और सुपर कूल सरप्राइज लेके आते हैं। Meet my gorgeous, cool and hot and warm, my wonderful wife. Hello, hi. Hi. लो, एक और आ गया। मुझे तो लगा था ये gorgeous, hot and awesome इसकी बेटी है, लेकिन ये तो इसकी वाइफ निकली। हाय। दारू पीने के बाद ना कोई बुड्ढा नहीं दिखता। अरे भाई वो कहाँ है, कहाँ छुपा के रखा है उसे? अरे घर की बहू के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं यहाँ इंडिया तक खिंचा चला है। ये मेरा बेटा ऋतिक। अरे वाह। और ये हमारी बहू शिवन्या। गुड चॉइस शिवन्या। ये हमारे फैमिली फ्रेंड है सूरी, एंकी जी के बहुत पुराने दोस्त, आजकल कनाडा में रहते हैं। बहुत पुराना और गहरा रिश्ता है इनसे। जा बेटा आशीर्वाद देगा। अरे प्लीज 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 प्लीज, क्या 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 कर रहे हो भाई, कमाल कर रहे हो। पुराना ट्रेडिशन है ये,
और मैं तुम्हारी उम्र का तो हूँ। अरे अभी अभी नई नई शादी हुई है मेरी, कम ऑन। वैसे गॉड ब्लेस यू, तुम लोग की जोड़ी हमेशा सलामत रहे, बिल्कुल हमारी तरह सुपर कूल। और मेरा हाथ हमेशा तुम्हारे सिर पे रहेगा। चलिए जी, पार्टी शार्टी करते हैं, प्लीज कम ऑन। बिल्कुल आइए ना अंदर। चलो चलो। मुझे लगता है कि मुझे हर चीज साफ दिखाई दे रही है। अगर हर चीज साफ दिखाई देती ना तो तू भी साफ नजर आता। मेरी बात को मान, मैंने सांप को देखा है, तुझे क्या लग रहा है? कल पता क्या हुआ, कल घर में जो है सांप की केचुली मिली, सांप की केचुली, अचानक एक तूफान आया, केचुली गायब हो गई। सांप की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, और ऊपर से वो चैलेंज, भाई साहब बात करने को तैयार नहीं है, मुंह नहीं लगा रहे मुझे, इतने साल की दोस्ती टूटने को आ गई है। अच्छा अच्छा, एक तो ये सांप की प्रॉब्लम, ऊपर से चैलेंज, फोन क्या करूं? बैठ बैठ बैठ, आराम। देख देख, शैलेश की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ओके? अरे भाई, हम तीनों की दोस्ती इतनी पुरानी है यार, क्या क्या बात कर रहा है, सॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी, डोंट वरी। कैसे 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 सॉल्व होगा? मतलब आज वो तेरे घर पे डिनर पार्टी के लिए आएगा। मैं उसे लेके आऊंगा, ठीक है? डोंट वरी, पक्का पक्का पक्का। वो चील कितनी भयानक थी, गुरु माँ ने बचने का कौन सा उपाय दिया है उन लोगों को? गुरु माँ का वो उपाय अब मेरे लक्ष्य की सबसे बड़ी बाधा है। क्या है वो उपाय, पता लगाना होगा। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.